कर सकते, स्प्रे का भी कंट्रोल मिलेगा, वाइपर को यहाँ पे टेक डाउन कर सकते थे, लेकिन उनको फाइनली वो चांस मिला कवर में जाकर आखिरी प्लेयर नूबर उन्हें भी इस मैच से बाहर कर दिया जाएगा। टीम सोल के लिए एक कमाल का शुरुआत हुआ एंड थर्ड पार्टी बीसी बीच टीम गॉडलाइक। ओके ये थोड़ा सरप्राइज रहा, इस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिली, बट वीरू ने 1v4 किया निकमा गैलेक्सी को, इस बात को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन सेलिब्रेशन की तरफ जब जाते उससे पहले सामने आए भी तो कौन आई, टीम Godlike ने आवाजें सुनी और उनको पता था कि आसपास फाइट है एंड वो आए भी मैच करके। बट अब इट्स द टाइम टू गेट द फर्स्ट ओपनिंग। बात करें पहली ओपनिंग की, दे आर थ्रोइंग अ लॉट ऑफ थ्रोएबल्स आर बीइंग डंप्ड, बट क्या उसका कुछ अच्छा आउटकम मिलेगा, एक नो इज ऑल टीम Godlike नीड। एंड फिलहाल के लिए सोल के प्लेयर्स का डिफेंस इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। फर्स्ट फ्लोर पे कोई भी प्लेयर नहीं है, सारे ग्राउंड फ्लोर पे नजर आ रहे हैं, सिर्फ वाइपर को छोड़ के, एंड वाइपर भी उस नेट्स के हिसाब से खेल रहे हैं। उनको पता है मुझे पैनिक रूम में नहीं रहना, मुझे बैक साइड रूम में नहीं रहना, आई एम कंप्लीटली गोना बी सेफ। एंड सिर्फ और सिर्फ अपने एक प्लेयर को जिसको देखिए आप फ्लैंक पे भेजा है ना, उसके ओपनिंग निकालने का अपडेट रहेगा। शायद वो प्लेयर अगर यहाँ पे अपनी टीम के लिए दूर से कवर प्रोवाइड करे तो Godlike का आसान नहीं होगा, बट दैट डजंट मैटर, Godlike क्लोज इन करके काफी देखने को मिले। पहला यहाँ पे बात करें तो वीरू की तरफ से 1v4 निग्मा गैलेक्सी, लेकिन उसके बाद थर्ड पार्टी आती है टीम Godlike की तरफ से, एस्पावर की तरफ से 1v3 किया जाता है टीम सोल को, और उसके बाद बैक टू बैक ट्विस्ट मेटल मैच अब बारी आ चुकी है टीम एक्सो की भी, एंट्री आ चुकी है टीम Godlike को भी, इस मैच से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। टाइमिंग आप देखिए क्रैक की, हर एक सेकंड पे थर्ड पार्टी आती चली जा रही है।